जी दोस्तों, डेयरी फार्म छोड़ के तो मैं अभी कतर मूव हो गया हूँ। तो डेयरी फार्मिंग छोड़नी पड़ गई थी, काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई थी हर चीज़, तो छोड़ के मैं अभी कतर आ गया हूँ। इससे पहले मैं सऊदीया था, कोई 9 साल उधर रहा हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या आप जो है ना यहाँ पे काम काज कर सकते हैं। तो कोई भी कंट्री है उसमें आने से पहले जो है ना आपको कोई ना कोई हुनर सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा यही मशवरा है कि आपने ना किसी भी मुल्क जाने से पहले लाजम कोई ना कोई स्किल आप हासिल करें। तो ऐसे मुंह उठा के नहीं आना, ये बहुत बड़ी गलती है। लोग बहुत जल्दी में जो है ना उधर एज बढ़ा के तो पासपोर्ट बनाते हैं, पासपोर्ट बना के तो जो है ना बस आने की करते हैं। तो इधर आके तो फिर बहुत ज़्यादा जलालत है, बहुत ज़्यादा जलील होना पड़ता है बंदे को। तो मैं आज आपको 3-4 काम ऐसे हैं जो बताऊंगा। नंबर 1 जो है ना, आपने कोई मैकेनिकल काम सीखें गाड़ियों का। आप भूल जाएं कि आपने एफ़ए किया है, बीए किया है, वो बहुत ज़रूरी है। हमारे पाकिस्तानी जो है ना वो एफ़ए बीए वाले यही समझते हैं कि हम शायद जा के उधर तो काफ़ी कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इधर इंडियन लोग बहुत ज़्यादा, उनके पास तलीम है, स्किल है, पढ़ाई के साथ साथ 3-3, 4-4 उन्होंने काम सीखे हुए हैं। तो आप भी ऐसी कंट्रियों में सेटल होने के लिए हुनरमंद बने, मोबाइल फ़ोन का कारोबार काम सीखें, मैकेनिकल, एसी, ये सारे काम ऐसे हैं कि जो आपको ना बहुत ज़्यादा इधर फ़ायदा देंगे। बाकी ड्राइविंग वगैरह का काम भी अच्छा है, लेकिन उसके लिए ना काफ़ी ज़्यादा आपके पास पैसे होने चाहिए लाइसेंस लेने के लिए, ताकि आपके 5-6 महीने जो है ना वो आपको इधर रहना पड़े तो आप अफोर्ड कर सकें, और उसके बाद भी फिर लाइसेंस मिले या ना मिले तो आपके लिए यही बेहतर है। कि ये बहुत अच्छी कंट्री हैं, नो डाउट, खूबसूरत हैं। सऊदीया, दुबई, बहरीन, कतर, काफ़ी अमीर लोग हैं और काफ़ी अमीर कंट्री है सारी। लेकिन इनके लिए जो है ना सेटल होने के लिए आपको कुछ ना कुछ हुनरमंद होना बहुत ज़रूरी है। आप इधर जलील होने से बेहतर है कि आप अपने मुल्क में 1-2 साल का डिप्लोमा पॉलीटेक्निकल कॉलेजों से हासिल करें, और एक्सपीरियंस थोड़ा सा ले कर तजर्बा हासिल करके तो आप आ जाएं। तो फिर आप इन कंट्रियों में आप भी वॉक कर सकती हैं, इन पार्कों में हमारी तरह, फिर आप जलील नहीं होंगे। तो जो है ना ये देख लें भाई, मुल्क अच्छे हैं, खूबसूरत हैं। इस तरफ बीच है, वो देखें आप सामने समंदर नज़र आ रहा है ऊपर से, वो एरोप्लेन जा रहा है। ज़ूम करके आपको दिखाता हूँ, वो देखें कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट जा रही है। तो ये देखें सारा वो बीच है, इधर बिल्डिंग है, वो देखें लोग ऊपर चढ़ चढ़ के फ़ोटो बना रहे हैं, सेल्फियाँ चल रही हैं। देखें बहुत प्यारा मुल्क है ये, नो डाउट, लेकिन आपने कुछ ना कुछ काम सीख के तो फिर आना है, एज बढ़ा के तो बस आने की नहीं करनी। सबसे पहले हुनर, कुछ ना कुछ हुनर सीखें, काबिलियत हो, क्योंकि बहुत कंपटीशन है इधर जी। ऐसे कोई भी सेटल नहीं हो सकता जब तक उसके पास हुनर नहीं। हुनर वाला बंदा कोई ना कोई जॉब हासिल कर लेता है, कहीं ना कहीं वैकेंसी उसको मिल जाती है, लेकिन जो बग़ैर हुनर के हैं वो बिल्कुल गूंगे हैं यहाँ। तो आप जो है ना कुछ ना कुछ जो भी आपका कोई फील्ड है, जो भी आपको पसंद है, वो आप जो है ना वो वाला काम ज़रूर करें, सीखें। तो फिर आप जो है ना यहाँ पे आके ना तो मार नहीं खाएंगे, ठीक है ना। उनमें नंबर 1 जो है ना वो मैकेनिकल, डेंटिंग पेंटिंग, गाड़ियों का जो मैकेनिकल है, ऑटो, तो एसी, ठीक है, उसके अलावा कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, ये सारी फील्डें जो है ना बहुत अच्छी हैं इधर अरब में। तो वो सीख के आप आएँ तो आप इंशाल्लाह इधर कामयाब हैं, अपनी वर्कशॉपें भी बन जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। जब तक आपको काम नहीं आता तो आप जलीलो हवारी होते हैं। कोई भी काम है ना, उससे शुरू करने से पहले कोई भी कारोबार, तो आप जो है ना लाजमी उसके मतलब पहले कुछ ना कुछ सीखें, तो उसके बाद आप आएँ। तो ये कतारा इनका एरिया है, तो इधर जितने भी लोग वॉक कर रहे हैं ना, ये काफ़ी सेटल है इधर, और अच्छी अच्छी पोस्टों पर इंडियन हैं, फिलिपीनीज लोग हैं, गोरे हैं। तो पाकिस्तानी सिर्फ आपको ड्राइविंग में मिलेंगे, ठीक है ना, और कुछ लोग इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, लेकिन वो बहुत कम है।
तो लिहाजा आप जो है ना ये देखें वॉक ट्रैक बहुत खूबसूरत, इन पे आप भी घूम सकते हैं, लेकिन आएँ ज़रूर लेकिन कुछ ना कुछ हुनरमंद बन के आएँ ताकि आपको तकलीफ़ ना हो, और जिसके पास आप आएँगे वो भी आपको फिर रातों रात आपको काम पर लेके जाएगा। तो ज़रूरत उसकी होती है भाई इन मुल्कों में, ज़रूरत जो हुनरमंद है, उसके अलावा आएंगे तो बोझ ही बनेंगे अपने आप पे भी और जिसके पास रहेंगे उसके लिए भी। तो आएँ ज़रूर, ये नहीं है कि मैं आपको कोई रोक रहा हूँ कि कतर ना आएँ, सऊदीया ना जाएँ। तो आज मैं आपको कतर के हवाले से, मैं ये वीडियो कतर के हवाले से है, इधर ज़्यादातर जो काम है ना वो यही है भाई जो मैंने आपको बताए हैं, एक ड्राइविंग का है, लेकिन उसके लिए लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, जो कि ये बहुत टफ़ है, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस इतना ईजी नहीं है, अगर आपको मिल जाए तो फिर तो बहुत अच्छा है, ड्राइविंग भी आप कर सकते हैं। और उसके अलावा ये जो मैंने आपको काम बताए हैं, ये काम सीख के आएँ तो आप बेहतर फील करेंगे। बाकी ये कंट्री अच्छी है, रूम जो है रूम रेंट वो ज़्यादा है, बेड स्पेस अदर कंट्रीज़ सऊदीया की निस्बत, दुबई की निस्बत भी एक्सपेंसिव है ज़रा, लेकिन ये है कि जब हुनर आपके पास होगा तो सैलरी भी अच्छी है इधर। तो आप कोशिश करें कि जो है ना, ये देखें ये रबर टाइप मैट है नीचे, ये कंक्रीट नहीं है, नरम है बहुत, और लाइटें चल रही हैं, ये देखें दिन की रोशनी में भी लाइटें जो है ना ऑन है, तो वॉकिंग चल रही है लोगों की मुख्तलिफ। ये पीछे दो गोरी हैं लड़कियाँ है, वो भी आ रही हैं, विजिटर कंट्री है, लेकिन जॉब भी काफ़ी लोग इधर हासिल कर चुके हैं और कर रहे हैं, सेफ कंट्री है नो डाउट। तो कतर के हवाले से मैंने आपको आज बताया है कि आप जो है ना कोई भी वीज़ा लें, आज़ाद वीज़ा ले लें, कंपनी का वीज़ा ले लें, लेकिन मस्ट है कि आपने कोई ना कोई काम सीखा हो, एक दो काम पे आप महारत हासिल करके तो आ जाएँ, तो फिर आप नाकाम नहीं होंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा दुनिया आ चुकी है, उस वजह से रश है। एक वैकेंसी अगर निकलती है तो उसमें वही बंदा सेटल हो सकता है जिसके पास उसी फील्ड का एक्सपीरियंस हो और डिप्लोमा वगैरह हो, ये वो जानता हो काम, फिर आप मार नहीं खाते। वो दौर ख़त्म हो गया कि उधर से थोड़ी सी एज बढ़ाई, पासपोर्ट बनाया तो आगे तो कोई किसी ना किसी फील्ड में आपको लगा देते थे, इधर ही सीख लेते थे काम, वो अभी ख़त्म हो गया, क्योंकि बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान से काफ़ी लोग आते हैं, तो कंपटीशन बहुत टफ है और बहुत ज़्यादा लोग हैं इधर। ये उन्होंने दीवार बनाई है जी, काफ़ी अच्छा है सिस्टम है इधर का। ये स्पोर्ट्स ग्राउंड है कोई, कतर रिचेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, तो इधर सेटल होने के लिए आपको कोई ना कोई स्किल होना बहुत ज़रूरी है। बस आज के लिए इतना ही जी, अपना ख्याल रखें, हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।